फ्रेंड्स गुड इवनिंग, आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में। आज एक छोटा सा वीडियो सहारनपुर रेलवे स्टेशन का लेकर आया हूँ जो कि उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। इसको कहिए या तो मुरादाबाद अम्बाला रूट पर पड़ता है या दिल्ली अम्बाला रूट पर, और ये एक जंक्शन भी है। कई रूट यहाँ से गए हुए हैं, जैसे कि एक तो अम्बाला की तरफ गया हुआ है ट्रैक, दूसरा मुरादाबाद की तरफ, तीसरा मुजफ्फरनगर खतौली की तरफ। और देख सकते हैं अच्छा सा एक व्यू है सामने टिकट घर, आपको यहीं से दिखाते हैं। छोटा सा व्यू रहेगा स्टेशन का। तो सामने टिकट घर है और पार्किंग एरिया का नजारा देख सकते हैं, काफी बड़ा है। ये देखिए रात का समय है, हाई मास्ट लाइट, तो अच्छा नजारा स्टेशन के बाहर का नजारा देख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ट्रेन से स्टेशन का व्यू ऑलरेडी पहले ही दिखा चुका हूं, अब यहां से थोड़ा सा व्यू देख लीजिएगा, हल्का सा व्यू स्टेशन का भी दिखाएंगे। ये कुछ ट्रेनों के आने जाने का समय, यहां से देखिएगा पूछताछ केंद्र, यहां से देखिएगा स्टेशन का नजारा। थोड़ा सा ऊपर सब कुछ कवर है, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 5 और जहां मैं खड़ा हूं यह प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 5, उसके किनारे प्लेटफॉर्म नंबर 6। थोड़ा इधर से व्यू देखिएगा, तो यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सन्नाटा। और ये किनारे प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 3 को आधे आधे भाग में बांट दिया गया है, अभी दिखाते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिधर मैं चल रहा हूँ, टर्मिनेटेड है। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म डिवाइड हो गया है, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 का बोर्ड लगा हुआ है हरा, और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये प्लेटफॉर्म डिवाइड हुआ है यहाँ से, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3 शुरू हो गया, आगे 4 और सामने 5 और 6, तो इस तरह से 6 प्लेटफॉर्म हुए। और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 6, अम्बाला की दिशा में रोड जा रहा, और ये मुरादाबाद। आगे यहाँ से दाएं जाएंगे तो आपका मुजफ्फरनगर वाला रूट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो सहारनपुर रेलवे स्टेशन का, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि रात का समय था इसलिए क्लियरिटी नहीं है, वरना दूर दूर तक दिखाई पड़ता। अलविदा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम शताब्दी एक्सप्रेस दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, देहरादून से चलकर नई दिल्ली तक जाएगी। हालांकि इस ट्रेन का संचालन फिलहाल हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हो रहा है, और इसका इंजन यहाँ पर रिवर्स किया जाता है, और ये वापस मुजफ्फरनगर मेरठ होते हुए नई दिल्ली तक जाती है। तो यहाँ लगभग सभी ट्रेनों का ठहराव है सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर। अगर मुरादाबाद या अम्बाला या मुजफ्फरनगर की दिशा से कोई भी ट्रेन आती है तो सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जरूर रुकती है। कुछ ट्रेनें हैं जो मुरादाबाद से सीधे सहारनपुर रुकती हैं, मैं 2-3 ट्रेनों के नाम गिनाता हूँ, वो बीच में कहीं नहीं रुकती हैं, जैसे दुर्गियाना एक्सप्रेस, बेगमपुरा एक्सप्रेस और कोलकाता नांगल डैम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ये मेमो ट्रेन का रेक जो अम्बाला की तरफ भी जाते हैं, साथ में मेरठ की तरफ भी जाते हैं और मुरादाबाद की ओर भी जाती है मेमो ट्रेन का रेक। फिलहाल ये आकर खड़ी हो गई है,
अंबाला कैंट से सहारनपुर तक आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, शताब्दी एक्सप्रेस का जो लोको है वो रिवर्स करता हुआ दूसरी दिशा में फिर से लगने के लिए जा रहा है। और ये जो ट्रेन आ रही है ये चंडीगढ़ से चलकर लखनऊ जंक्शन में आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है जो वाया मुरादाबाद होते हुए, चंदौसी होते हुए, शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ तक जाती है। काफ़ी कम कोचेस थे लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस में और लोग दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं। अब आपको हेमकुंट एक्सप्रेस का व्यू दिखाते हैं, छोटा सा व्यू देखिए। ये ऋषिकेश से चलकर जम्मू कटरा तक जाएगी और काफ़ी भीड़ रहती है आज दौड़ते अम्बाला जंक्शन तक। कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा अपडेट सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।